सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस सरकार को घेरने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल नहीं रही है, रेंग रही है, और कांग्रेस की सरकार तो अपने अंतर्कलह में ही गिर जाएगी। इसके साथ ही किसानों के प्याज के रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए। गोपाल भार्गव ने यह बयान गढ़ाकोटा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए दिया। कब तक चलेगी इसको तो ज्योतिषी भी नहीं पता हमारे पे। ये तब ज्योतिष विज्ञान का बड़ा कठिन प्रश्न हो गया है, और हम लोग तो सरकार के भविष्य के बारे में कुछ निश्चित बता नहीं सकते। दो दिन में चली जाए, दो महीने में चली जाए, तैयारी के बारे में जब नेतृत्व तो कहेगा या फिर अपने बोझ से गिर जाए। ये सरकार बहुत ज़्यादा अंतर विरोध है पूरी सरकार में, तीन तीन मुख्यमंत्री इस सरकार में, आप सबको जानकारी है। अब किसका विरोध, गुट तो है, उनके समर्थक और समर्थित विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और रोज आप आए दिन पढ़ रहे हैं अखबार में। और सबसे बड़ी बात यह है मुख्य भाव के है कि सरकार चल नहीं रही, तो सरकार रेंग रही है, और बल्कि एक प्रकार से लग रहा है जिस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है, बिजली की जो स्थिति है, किसानों का जो अब प्याज का अभी डिक्लेयर हुआ, प्याज का रजिस्ट्रेशन आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक गटा प्याज का नहीं बचा किसी किसान के यहाँ, उसका पंजीयन कर रहे हैं आप, इसका अर्थ ये आपको पैसा ही देना है या फिर किसान से बेईमानी करवाना है। व्यापारी बीच में लूटेगा, मंडी वाले लूटेंगे, फर्जी रजिस्ट्रेशन होंगे, फर्जी फर्जी विक्रय पत्र बनेंगे, सारा का सारा। मैं मान के चलता हूँ सरकार चल रही है, इसको जल्दी विदा हो जाना। गढ़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603, 7879281094।